अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा सेवैयों का ज़रदा, और ये बहुत मज़े का बनके तैयार होता है। और इसके अलावा लोग ना इसको पानी के साथ भी बनाते हैं कि पानी ऐड करते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं ऐड करूँगी, मैं दूध में ही बनाऊँगी। और ये जो मलाई मैंने रखी हुई है निकाल के, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो बहुत ही मज़े का सेवैयों का ज़रदा बन के तैयार होता है। तो आप लोग रेसिपी देखें और ज़रूर इसको बनाइएगा। और ये भी मेरी अम्मी की ही रेसिपी है, वो बनाती थी इस तरह से सेवैयाँ, तो सबको बहुत पसंद आती थी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं सेवैयाँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये एक पैकेट ले लिया है सेवैयों का, और इसके अलावा इसमें दूध जाएगा और जो बाकी चीज़ें हैं, घी जाएगा इसमें, इलायची। तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपको ऐड करूँगी तो दिखाऊँगी, लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे देखिए, मैंने ये पैकेट लिया और इसको ना मैंने ऐसे इसमें तोड़ लिया है, मतलब बाहर निकाल के अगर मैं ट्रे में डाल के इसको तोड़ूंगी ना तो ये बहुत मैसी हो जाता है, और ये सेवैयाँ सब जगह बस सेवैयाँ सेवैयाँ नज़र आ रही होती हैं। तो इसको ना आप पैकेट में ही अच्छी तरह से इस तरह करके ना ऐसे इस तरह करके आप लोग इसे तोड़ लें पैकेट में। तो चलिए मैं ये पहले तोड़ लूँ, फिर मैं आपको ट्रे में डाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने ना इसको तोड़ लिया है सेवैयों को अच्छी तरह से, देख रहे हैं, पैकेट में ही तोड़ लिएगा ताकि मैसी ना हो। ये देखें, अब मैं इसको घी में ऐड करूंगी क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो ये देखें, ये मैंने एक कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, और अब ये गर्म हो जाएगी तो फिर मैं इसमें घी ऐड करूंगी। और जो मीठा होता है वो हमेशा घी में ही बनाया जाता है, ऑयल में इसको मत बनाइएगा। तो चाहें तो देसी घी ले लें, लेकिन मैं तो सादा जो घी होता है उसी में बना रही हूँ। तो मैं इसमें हाफ कप घी ऐड करूँगी और उसमें फिर मैं इलायची डालूँगी। तो ये देखें, ये मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में, ये देखें हाफ कप घी ऐड किया है मैंने, देखें। और अब मैं इसमें, तो ये अच्छे से गर्म भी हो गई थी, इसमें से ना अच्छी सी हीट आ रही है। तो अब मैं इसमें ये इलायची मैंने ले ली है 4-5, ये देखें, ये देखें, इनको ना इस तरह से खोल लिया है मैंने, ये देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से ना खोला है बस मैंने ऐसे बीच में से। तो अब ये 5 इलायची हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी घी में, और इसको 1 मिनट फ्राई करूंगी ताकि इसकी खुशबू आ जाए अच्छी तरह। तो ये इलायची मैं इसमें डालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इलायची डाल दी मैंने, घी गर्म हो गया है तो वो फ्राई होना शुरू हो गई है। और फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम लो रखनी है, तेज़ आँच पर इसको एकदम से करेंगे तो ये जल जाएंगी, तो मीडियम लो रखनी है आपने। तो ये देखेंगे, ये फ्राई हो रही है, 1 मिनट इसकी खुशबू आ जाए अच्छी तरह से घी में, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। ये देखेंगे ना, फ्राई हो गई है, और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब ये जो सेवैयाँ मैंने रखी हुई थी, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ये मैंने सेवैयाँ डाल दी। और अब हमने इसको सेवैयों को ना 1-2 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि ये वैसे तो होती हैं रोस्टेड, लेकिन इस तरह से फ्राई करने से इनका एक तो कलर भी डार्क हो जाता है बड़ा अच्छा सा, क्योंकि हम इसको दूध के साथ बना रहे हैं, तो दूध डालने के बाद इनका मतलब ये एक शेड लाइटर हो जाती हैं, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं, और फ्राई करने से बड़ा अच्छा सा इनका टेस्ट हो जाता है। तो बस 1 मिनट हम इसको घी में 1-2 मिनट फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा मत करिएगा वरना ये हार्ड हो जाएंगी। ये फ्राई हो रही है इसमें, और फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम लो रखी हुई है, ये देखें ना फ्राई हो चुकी हैं, और कलर भी इनका बड़ा अच्छा सा हो गया है ब्राउन, मतलब थोड़ा सा लाइट डार्क कलर हो गया, लाइट था तो हमने फ्राई किया है इसको 1-2 मिनट, ये देखिए, ये देखिए कलर भी चेंज हो गया, बड़े अच्छा सा इसका लुक आ रहा है। तो अब मैं इसमें शक्कर ऐड कर दूंगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है, क्योंकि अब ये फ्राई हो गई है घी में, तो इनकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है।
ये देखें, अब शायद आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। यस, ठीक है, ये हो गई फ्राई। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने ये मैंने 1.5 कप चीनी ली है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, पर मैं पूरी ऐड नहीं करूँगी, पहले ऐड कर दूँगी, उसके बाद मैं इसको जब इसमें दूध डालूंगी उसके बाद मैं इसे टेस्ट कर लूँगी। अगर मुझे थोड़ी सी कम लगेगी तो मैं डालूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही शक्कर जाती है। तो ये मैंने 1.5 कप ली है। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि इतनी चीनी डालिए, इसमें थोड़ी सी तेज जाएगी चीनी, क्योंकि अभी इसमें हमने दूध भी डालना है। अच्छा, इसको ना आपने चीनी के मेल्ट होने का आपने वेट नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर हम चीनी के मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ, तो अगर मैं चीनी के मेल्ट होने का वेट करूँगी ना तो ये हार्ड हो जाएंगी सेवैयाँ। क्योंकि मेरे साथ ना शुरू में मैं बनाती थी जब, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने इसको कि ये मेल्ट हो शक्कर, फिर मैं तो नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, मेरी हार्ड हो जाती थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता था क्या मसला है। तो बस आपने चीनी डाल दी, अब आप इसमें दूध डाल दें तो वो खुद ही चीनी उसमें घुल जाती है। ठीक है, फ्लेम मैंने ना तेज बिल्कुल नहीं की है, उसी तरह मीडियम लो पे ही है ये। बस चीनी डाल के ना मैंने इसको 1-2 मिनट ही पकाया है, इससे ज्यादा नहीं। मैं ये दूध डाल दूंगी। और मैंने इसमें 1.5 कप दूध ऐड कर दिया है। और अब ये जो मैंने मलाई रखी हुई थी ना निकाल के, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि इसमें मलाई का ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और दूध डालने के बाद ना आपने इसको चलाना है इस तरह से। मैं थोड़ी सी इसकी फ्लेम हाई कर रही हूँ, थोड़ी सी, मीडियम लो थी तो मैंने मीडियम कर दी है। इस तरह से ना आपने इसको चलाना है। इस तरह से चलाएंगे ना तो दूध हमारा, चूँकि इसमें शक्कर ज़्यादा डालिए तो वो फटेगा दूध, तो उससे जो उसका टेक्सचर आता है ना, थोड़ी सी मैं चीनी जो बची थी वो भी डाल रही हूँ। इस तरह से आप लोग इसको चलाते रहें। अब ये मलाई भी डाल रही हूँ मैं इसी में। मेरी अम्मी तो बहुत ही मज़े की बनाती थी ये वाली सेवैयाँ, मैं भी उसी तरह से बनाती हूँ, लेकिन उनके हाथ का जायका ही अलग होता था। और ये मैं हर रेसिपी में जो भी मैं अम्मी की बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें भूलती हूँ, क्योंकि उनके हाथ का जायका बिल्कुल ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का खाना बनाती थी। तो ये देखिए, ये इसमें अभी उबाल आना शुरू होगा ना, ये देखिए, और ये सारा जो दूध है ना ये ड्राई हो जाएगा अभी इसी में थोड़ी सी। हाँ, ये देखिए इसमें बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये देखिए, बस अब ये ड्राई होगा दूध। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना मीठा चेक कर लूँ। सही है, देखिए इसमें बबल्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो बस अब ये ना ड्राई हो जाएगा दूध। और थोड़ा सा एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो बबल्स है ना तो ये लग भी जाते हैं हाथ पे, तो गरम गरम है ये। देखेंगे इस तरह से ना
पक रहा है अभी, अभी थोड़ा सा इसमें है दूध क्योंकि सारा ड्राई हो जाएगा। देखिए कितना ये थिक हो गया है, ये देखिए अब ये सारा दूध जब ड्राई हो जाएगा ना। और आप लोगों के पास अगर खोया रखा हुआ हो ना तो वो भी आप लोग डाल सकते हो, भी बड़ा अच्छा इसमें लगता है, उसका भी टेक्सचर भी बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट भी। और मलाई हो तो और डाल दे, मैंने तो काफ़ी सारी मलाई इसमें डाली है। क्रीम हो, टेट्रा पैक क्रीम हो, वो भी डाल सकते हैं आप लोग। तो ये ड्राई हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये ना रेडी हो गई हैं और कितनी ड्राई हो गई है ना, देखें ये देखें। ठीक है, इस तरह से ही आपका टेक्सचर होना चाहिए। जितना भी मैंने दूध डाला था वो सारा इसमें ड्राई हो चुका है और ये इसका लुक है। ठीक है, इस तरह से ही होना चाहिए आपका। और अब मैं ना आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये देखें जी रेडी हो गई हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयाँ, और ये इस तरह का इनका लुक होता है और बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। आप लोग इसको किसी भी चीज़ से गार्निश कर दें, लेकिन हाँ अगर आप लोगों के पास खोपरे का बुरादा हो, जो पिसा हुआ खोपरा होता है, अगर वो हो तो वो ज़रूर इसमें डालिएगा। पकते टाइम भी वो थोड़ा सा डालते हैं तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से सर्व करके और ऊपर से डालेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो वो अगर हो तो लाजमी आप लोग डालिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने बस ये इस तरह से इसको सर्व कर दिया है और ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई हैं। आप लोग लुक देखें। और ये इसमें थोड़ा सा ना तेज़ मीठा होता है, मतलब हल्का मीठा रखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये जो सेवइयाँ बनती हैं इनमें थोड़ा तेज़ मीठा होता ही है, तो इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने बनाई है। सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा तो आप लोगों की भी इस तरह से ही बनेंगी ज़बरदस्त सी सेवइयाँ। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।